मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफाई योर कुकिंग। तो आज मैं लेके आई हूं एक और यूनिक रेसिपी जिसका नाम है आलू पालक। आलू पालक हम सब ने खाया है, बचपन से खाया है, हमारी दादी नानी चाची सब बनाते हैं इसे और बहुत ज्यादा टेस्टी बनाते हैं। लेकिन आज एक ट्विस्ट लेके आई हूँ अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए जल्दी से, ज्यादा डिले नहीं करते, ज्यादा बातें नहीं करते, सीधा बातें करते हैं किचन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू द किचन ऑफ सिंपलीफाई योर कुकिंग। और मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए आज एक प्यारी प्यारी वेरिएशन लेके आई हूँ मैं। नॉर्मली सब्जी रोटी हम खाते ही हैं डेली रूटीन में, लेकिन सब्जी में अगर कुछ वेरिएशन मिल जाए हमें टाइम टाइम पे तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं हम पालक और आलू की सब्जी, जिसे आलू पालक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पालक को कर लेंगे ब्लांच। ब्लांच करने के लिए उसे हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधी तपेली भर के पानी लिया है और उसके अंदर मैं एक छोटी चम्मच के करीब डाल दी है शुगर और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। डोंट वरी, सब्जी बिल्कुल भी स्वीट नहीं बनेगी, ये पानी के साथ निकल जाएगा। ये प्रोसेस हमने इसीलिए किया है सिर्फ और सिर्फ पालक का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आए, खिल के आए इसलिए। तो चलिए यहाँ पर एक बंच पालक ले ली है मैंने, उसे मैंने फ्रेश साफ करके अच्छे से धो लिया है और उसके बाद हम इस उबलते हुए पानी में पालक को ऐड करेंगे। और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है स्टेज पे। डोंट वरी, आपको लग रहा होगा कि पानी कम है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पालक जो है श्रिंक हो जाते हैं बॉईल होने के बाद, तो पानी इनफ है। तो यहाँ पर मैंने पालक को ऐड कर दिया है। अब एक चिमटे या चम्मच की मदद से हम इस तरीके से उसे डिप कर देंगे अंदर और सिर्फ एक मिनट के लिए आपको इसे छोड़ना है। घड़ी में बराबर से टाइम देख के ये प्रोसेस कीजिएगा, एक मिनट के लिए ही छोड़ना है और फिर हमें कर देना है गैस टर्न ऑफ। तो यहाँ पर गैस बंद कर दिया है मैंने और पालक को पानी में नहीं छोड़ना है। तुरंत हम पालक को किसी और बर्तन में ले लेंगे, चाहे तो आप उसे उसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं किया है। कुछ लोग इसे 2-3 मिनट तक करते हैं, वो नहीं किया है हमने, सिर्फ एक मिनट के लिए ब्लांच किया है इसको, तो हमें छोड़ना नहीं है। तो चलिए ये जैसे ही ठंडा हो जाता है पालक, हम इसकी एक प्योरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल ट्विस्ट है जिससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी सब्जी। तो एक ग्राइंडर जार में मैंने लिया है पालक जो हमने ब्लांच करके रखा है, साथ में हम लेंगे यहाँ पर 5 से 6 मिर्ची, 6 से 7 जितना आप मर्जी चाहें उतनी आप लहसुन की कलियाँ ले सकते हैं। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैं इसमें इंस्टेंट बड़े बड़े पीसेस में कट करके ऐड कर रही हूँ, ये देखिए इंस्टेंट ही कट करना है क्योंकि इसे बारीक कट नहीं करना है तो बहुत फटाफट हो जाएगा। और फिर हम इसे फटाफट घुमा लेते हैं मिक्सचर को, अच्छे प्योरी बना लेते हैं पालक की। तो यहाँ पर पालक की प्योरी ग्रीन ग्रीन बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई है मैंने, उसमें हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच के करीब घी। जी हाँ, पालक की जो सब्जी हम बनाते हैं ना कभी भी, तो उसको अगर हम घी में पकाएंगे तो उसके वैल्यूज़ भी बढ़ते हैं, साथ ही साथ उसका स्वाद और उसकी जो महक होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर घी जो है गर्म हो चुका है, जैसे घी गर्म हो जाए हम सिंपली उसमें ऐड करेंगे जीरा, 1 टीस्पून के करीब होगा लगभग। जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाए हम इसमें डाल देंगे प्याज 1 मीडियम साइज़ का, ये देखिए मीडियम साइज़ का प्याज जो है मैंने ऐड कर दिया है। प्याज डालने के बाद प्याज को हम थोड़ा सा भुनेंगे, मतलब कि इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, तब तक हम इसे चलाएंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर हम थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर लिया है, वो ऐड कर दिया है और हम मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ हल्दी पाउडर को। जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा हम इसमें डालेंगे आलू। जी हाँ, ये आलू को मैंने अच्छे से साफ करके इसकी स्किन हटा के मैंने इसे पानी में काट लिया था, क्योंकि आलू काला पड़ जाता है अगर उसे थोड़ी देर भी आप छोड़ दें तो, ये बॉयल आलू नहीं है, कच्चा आलू है। तो मैंने यहाँ पर आलू ऐड कर दिए। अब आलू को तब तक पकाना है आपको जब तक कि आलू अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता, अंदर कुक नहीं हो जाता। यहाँ पर हम ले लेंगे चिली फ्लेक्स। तो जो ये चिली फ्लेक्स है ये लगभग 2 छोटी चम्मच के करीब मैं ले रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। लाल मिर्च हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रीन मिर्ची मतलब हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है, और थोड़ा सा आलू को टेस्ट देने के लिए और थोड़ा सा दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है, तो इसीलिए हम इसमें चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढक के पका देंगे। तो ढक के मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो अब चेक कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पर ये अभी तक कुक नहीं हुए हैं, तो 1-1.5 मिनट के लिए इसे आप और छोड़ दीजिए बिल्कुल ढक के, जल्दी कुक हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 1-1.5 मिनट के लिए मैंने इसे और कुक कर लिया था, और हम एक बार और चेक कर लेते हैं। तो इस स्टेज पे आपको ध्यान ये रखना है कि आलू जो है नीचे चिपकने नहीं चाहिए, तो आप इसे 1-1 मिनट के अंतराल में आप चेक करते रहिएगा। यहाँ हमारे आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अंदर ऑयल के और घी के अंदर अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो पालक की जो प्योरी है वो डालने से पहले आप कन्फर्म कर लीजिए कि आलू जो है अच्छे से कुक हो। अगर आलू कच्चे रह गए तो क्या होगा, पालक की प्योरी में हमने टमाटो ऐड किए हैं, इसकी खटास की वजह से आलू जो है कच्चे रह जाएंगे सब्जी में, और फिर इसका टेस्ट जो है बहुत ही बुरा आएगा। तो यहाँ पर मैंने पालक की प्योरी ऐड कर दी है, आलू भी ऐड कर दिए हैं, सब कुछ अब मिक्स हो गया है। अब हमें इसे इसके अंदर थोड़े से 1-2 सीक्रेट इन्ग्रीडियंट डालने हैं, और उसके बाद में हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी। तो ये देखिए यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने जो है बिल्कुल लो पे रख दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें ढक्कन आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है जब आप पालक की प्योरी ऐड करेंगे। तो हाँ, मैं मान सकती हूँ कि अगर ढक्कन नहीं लगाया तो पालक की प्योरी से आपका जो स्टोव है ना वो थोड़ा बहुत गंदा हो सकता है, लेकिन ढक्कन ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे पालक की जो कलर है ना वो अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच के करीब लिया है पाव भाजी मसाला, और 2 छोटी चम्मच के करीब हम लेंगे किचन किंग मसाला, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बस, अब देखिए आप पालक की जो प्योरी है उसमें जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। लगभग 3 मिनट के लिए मैंने पालक की प्योरी को आलू के साथ कुक किया था, और अच्छे से ये थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। तो अब ऑलमोस्ट सब्जी जो है ना बिल्कुल बन के रेडी है। ये देखिए यहाँ पर हल्का हल्का साइड से आपको घी भी छूटता हुआ दिख रहा होगा, जब जैसे ही प्योरी के अंदर घी रिलीज होना स्टार्ट हो जाए आप इसे सर्व कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने, और सर्विंग बोल में सब्जी सर्व कर लेते हैं फटाफट। इसे रोटी चपाती नान पराठा किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा सा मैंने इसमें ट्विस्ट ऐड किया है। ओके, तो सब्जी कैसी लगी वो ज़रूर से बताएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे को, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें, बाय।